चलो भी पानी में चले, चलो पैर धो ले, पैर धो ले, आ जाओ। कल ही मगरमच्छ ने पकड़ा है कसम से, मारो कसम। अरे बहुत गहरी बेटा। हेलो, वेलकम हो गया आपका एक न्यू ब्लॉग में। बाकी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। बॉय भाई के चैनल पे, मतलब जो मेन चैनल है बॉय भाई का, उस पर एक लॉन्ग वीडियो आने वाला है रोस्ट का, उसकी वो एडिटिंग कर रहे हैं अंदर बैठ के। तो मैंने कहा आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी वो एडिटिंग करके फ्री होते हैं। हेलो, आपका स्वागत हो गया है न्यू ब्लॉग में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बाकी बॉय भाई तो मतलब एडिटिंग में भी बिजी हैं, तो मतलब मार्केट से हमें कुछ सामान लाना था, चलो हम सामान लेकर आते हैं मार्केट जाके। चलो चलते हैं। तो सामान लेने हम लोग आ गए हैं मार्केट। अरे बहुत शोर हो रहा है यार यहाँ पर ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा लग रहा है। हम लोग सामान लेने आ गए मार्केट साइड में। बाकी भाई अंदर सामान लेने गया, मैं बाहर खड़ा हूँ रोड पर। अंदर गया तो सही नहीं रहेगा ना, अंदर जाना ज्यादा लोग का। सलाम वालेकुम ताऊ। वालेकुम सलाम। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू बोलो यार। टू हमें ना भैया नहीं कितना बोल रहे हैं। आप गिनन दिए पैसे है भाई यार। चलो 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 फिर पैसे करो। दो तीन चार पाँच सात आठ दस नौ ग्यारह। तो यार शाम के 5 बज चुके हैं और मैं भी अपने सारे काम करके फ्री हो चुका हूँ। और यार जो रोस्ट वीडियो की एडिटिंग होती है उसे करने में बहुत टाइम लगता है यार। मैं सुबह 10 बजे एडिटिंग करने के लिए बैठा था और 4 बजे तक एडिटिंग करी, मतलब पूरे 6 घंटे लग गए मुझे एक वीडियो एडिट करने में। बाकी ये ब्लॉग तो मैं 1 घंटे में एडिट कर देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी आज संडे है, आज जिम तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ आज कहीं हम लोग घूमने चलते हैं। मतलब बहुत दिनों से चाय पीने नहीं गए हैं, जो हमारा फेमस पॉइंट है वहाँ पर नहर के किनारे, तो वहाँ पर चाय पीने चलते हैं आज। एलेक्स को बुला लिया मैंने बाहर, पता नहीं बच्चों के साथ लड़ाई कर रहा है, चलो देखते हैं चल के। ऐसा हुआ था सीन देखो। हाँ। जैसे हम हारने वाले थे, 10 लोग मारे जाने वाले थे, ठीक है। हमारा पार्टनर को बोला हमारा उस्ताद कैसे हार सकते हैं, ठीक है। इनने क्या करा, गड्ढा करा रख के अंदर बॉल डाल दी, बॉल छुपा दी। तो तुम लोग कर क्या रहे थे, इतनी बुरी हालत हुई है तुम लोग की, जो कोयले की खदान में काम कर रहे थे क्या बात। आते को तो मुझसे पैरों की हालत देखो इसकी। अरे सर धोखे आगे बह जाएगी हम तो। फिलहाल हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए और हम अकेले नहीं जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अकेले जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा इतना। तो जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, लाली को जानते होगे आप, आपने कल वाले ब्लॉग में दिखा होगा, उसको भी लेके चलते हैं। बुला ले उसको, जा बुला लो। हाँ बुला के ला। आ गया, बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू आज, क्या बात। अरे लिपस्टिक ला गया है, क्रीम लगाई है, दिखा। नहीं मिली, नहीं मिली क्रीम। मिली नहीं, नहीं मिली आज तो। लिपस्टिक क्यों लगाई तूने मम्मी की? लगाई है बेटा, खा ले माँ कसम। थोड़ी थोड़ी लगाई है, नहीं लगाई। लगी है, चल फिर चलते हैं, कोई बात नहीं। इसकी बेचारी की मम्मी जाने ही नहीं दे रही है। पैसे दे दो, पैसे दे दो, जाएगा तो नहीं बोलना, मतलब जिंदगी पकड़ पैसे दे। चल जा, पैसे दे आज। हो गया, जा जा बोल मत, जीत के लिए वैसे। हाँ तू जा, कद्दू जीता 50 रन दे गए थे तेरे। क्या जा भैया, तू मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम मुझसे मत बोलना। अरे दोस्ती दुश्मनी हो गई। अरे 10 रुपए देख रहा हूँ, 10 रुपए दे दिए यार। तो लेगा नहीं जब उसकी मेहनत ही कमाई है। चाय की मेहनत यार, 2 रुपए कम दिया है, देखो 2 रुपए तेरे भैया को दे के आऊँ छोटे वाले। तो तू उसको दे, भैया से क्या मतलब है, 2 रुपए कम दिया है, 2 रुपए तक नहीं है। आजा 2 रुपए और दे दूंगा। तो हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, फिर हमें याद आया राकेश का घर भी रास्ते में पड़ता है, तो राकेश को भी ले चलते हैं, क्योंकि बेचारा बस हमारे साथ आज आज और है, कल वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, तो कल से तो हमारे साथ होगा नहीं। तो हमने सोचा भाई आज आखिरी दिन है तो घुमा लेते हैं उसको भी साथ में। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं, फाटक लगा हुआ था तो फाटक पे रुके हैं हम। तो आ चुका है राकेश भंडारी, पहले हम इसको सन्नाटा बोलते थे, फिर से सन्नाटा बन गया यार। राकेश भाई कमिंग, चलो चले चल। सन्नाटा तुम ही थे। तो आ चुके हैं हम लोग अपने अड्डे पे जहाँ पर हम चाय पीने आते हैं। और भाई आज मैं एक डिमांड रख रहा हूँ, देखो सबको पता ही है मैंने जिम शुरू कर दिया, तो मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, वो भी कम चीनी की, ब्रेड नहीं खाऊंगा। तो ब्रेड किसे किसे खाने हैं तुझे? मैं तो मन नहीं है। हां तू बढ़िया आदमी है यार, तू ही मेरा दोस्त है। अरे तू खाएगा? हां मैं खाऊंगा। जा फिर यहां बर्तन मांजने पड़ेंगे ब्रेड के बदले। फिलहाल चाय बनवाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। घबरा क्यों रहे हो भाई, बताओ क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। मैं अच्छा लगा। कहां रहते हो आप? ऐसे घूमने आए टहलने हमारी तरह? चलो सही है। क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, हैं? क्या ले रहा है? अरे मैंने कहा वो खा दिया। अरे चिप्स ले लो, चिप्स ले लो। अरे दिखा दिखा, चिप्स ही है कुछ और है, दिखा। अरे मत कर भाई,
मत कर यार, छोड़ दे मेरी साली कमाई भाई, छोड़ छोड़ भाई, छोड़ यार। तो भाई हमसे मिलने आया था, कहाँ से आए हो भाई? इस्लाम नगर से मिलने आए स्पेशल। तो ये बताओ, मैं फोटो खिंचाने के 50 रुपए लेता हूँ, है जेब में? नहीं है, है? अरे चलो डिस्काउंट है, तुम्हारे लिए 20 रुपए में खींच दूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक नीचे चलते हैं पानी में और तेरे पाप धुलवा के आते हैं। पाँव पाँव अच्छा पाँव नहीं पाँव चलो पानी में चले, चलो पैर धो ले, पैर धो ले, आ जाओ। लेकिन एक बात है, कल ही मगरमच्छ ने पकड़ा यहाँ से, कसम से मानो कसम, अरे यही से पकड़े, दो मच्छी पकड़ ली, अरे कमरे कमरे। तो चाय हमारी आ चुकी है, राकेश चाय लेके आ चुका है। और भाई क्या स्टाइल में चाय लाया है भाई, पता है मैं बताऊं तुझे क्यों लाया? मैं तेरी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कल तू चौकीदार बनेगा, लोग तुझसे चाय मांगेंगे। आओ ये भंडारी चाय लेके आए, एक बुलाएगी नहीं बुलाएगी? लाठी लेके चाबी चाय, अरे सॉरी भाई, थैंक यू, चल लाली पी ले यार। ये बताओ चाय गर्म तो नहीं लग रही है किसी को? मुझे लग रही है। पानी मिला ले, इतना सारा पानी है नहर में। जा कहाँ जा रहे हो राकेश? आगे शमशान घाट है, चिता जलती है। अच्छा यहाँ बैठे, एक दिन सब ने जाना। अरे यार उस साइड चले, वो देख वो लड़के बैठे हैं उस साइड, चाय पीने चले, चाय लेके, चाय लेके ऐसा है, चाय लेके चल रहे, पैसे लेके भाग जाएंगे वहीं से। हाँ कह देंगे उस साइड जा रहे। अरे रुको रुको, इसका कोई काम नहीं है ना, जो पीछे खड़ा है अपने। अरे भाई कितनी सुंदर आ रही है इसकी शक्ल, देख रहा किस, ये देख ये देख, अरे भाई कितनी बेइज्जती कर रहा है यार तेरी। देखो आजाद जितनी बेइज्जती चाहे मेरी कर, जितनी हड्डियां सही में 25 दिन तोड़ दूंगा सब मैं। आजाद जितनी चाहे उतनी बेइज्जती कर लो, कल के बाद तेरे लकड़ी पकड़ के गेटियां बंद। अरे भाई क्या बोल रहा है। लेकिन भाई वो चौकीदार तो बनेगा, लेकिन बड़ी बड़ी सोसाइटी में जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उनकी सोसाइटी में चौकीदार बनेगा। चोरी होगी तो बहुत मार, चरस मुखिया सेट हो जाएगा वहीं पे। बोलते काहे नहीं हो, मुझसे बात करना वाले तो मुझे तो कर ही रहे हो, बहुत बात से कर रहा। ये पता है क्या कौन सी निशानी होती है? जब इंसान की राख होती है ना तब वो ऐसी हरकतें करता है। लेकिन राकेश मैं एक टिप देता हूँ तुझे, जो तुझे लाठी मिलेगी ना ड्यूटी के लिए उसमें तू हर हफ्ते तेल लगाया करना। क्या मिले, गन मिलेगी? तलवार मिलेगी, कुकरी कुकरी मिलेगी। अरे सारा कंटेनमेंट से निकाल, तू जा रहा है ना यार, तुझसे ना जाओ यार, ये बंगार की शक्ल के। अरे भाई कितना प्यार लगे, फिर से कर एक बार चलना। तो यार हम लोग हंस तो रहे हैं लेकिन हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा राकेश, दिल से बता रहा हूँ भाई, माँ कसम तू जा रहा है तो मजा नहीं आ रहा यार कसम से, सही में बड़ा खुश हो रहा है। क्या बात, और खुश तो हो रहा है तू, लेकिन एक बात याद है, एक कमेंट आई थी कि राकेश भाई एक ही टी शर्ट में आ जाते हैं बार बार, आज भी वही टी शर्ट है यार, 5 टी शर्ट बदली यार, तुम ब्लॉग देख लो ना, एक ब्लैक पहनी थी, एक ग्रे पहनी थी, एक व्हाइट, तीन ही थी बस, ये व्हाइट तीन ही थी, एक ब्लैक रेड बस, एक बात तू रो क्यों रहा है यार, ये तो मेरा कहाँ रो रहा हूँ कसम से, या तू रो रहा है नशे में, तेरी आंखें लाल है? नहीं नहीं, वो नींद से उठा, अच्छा नींद से उठा। चलो भाई चाय तो हम लोगों ने पी लिए और अभी जा रहा है एलेक्स पेमेंट करने जीपे से, मैं करता हूँ और बार पेमेंट, उससे मना किया था खाली चाय पियेंगे, तो ये लेके क्यों आया? अपने पास से ले आया ना मैंने। अब राकेश ले लिया तो सबको मिलवा के खाना चाहिए, हमारे बड़े बोलने से मिलवाड़ी खाना चाहिए बेटो, आ जाओ यार, देखो हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या सिखाया है, जो भी चीजें मिल बांट के खानी चाहिए। चलो फिलहाल यार अब मैं सोच रहा हूँ घर चले या कहीं आओगे और चले, गेड़ी मारते हैं। क्या गेड़ी, क्या होता है गेड़ी? पंजाबी नहीं कहते, गेड़ी मारते हैं घूमना। अच्छा। मतलब चल यार तेरा आखिरी दिन है यार, आखिरी दिन तो ऐसे मैं कह रहा हूँ जैसे कल ही निपटने वाला हूँ। नहीं निपटेंगे नहीं, गेटियां बंद है ज्यादा। अरे हाँ चौकीदार राकेश भंडारी आज ही, चल घुमा के लाता हूँ यार तुझे थोड़ा सा और आगे। हाँ भाई तो अभी हम लोग रास्ते में घूम रहे थे और एलेक्स को कुछ नया क्रीचर दिखा, क्या दिखा एलेक्स को? पोर। भाई पोर। यार हमको पता नहीं कौन सा नया प्राणी है, मोर तो हम सब ने दिखा है लेकिन एलेक्स को दिखा पोर। पोर अरे बोल ले तो यार बोल, बता गाने बज रहे थे, मैंने मोर बोला था तो मैं पोर सुनाई दे रही है, पोर बोला भाई, बोला अरे पोर पोर राकेश भाई, वैसे भी आज जा रहा है कल से गेटिया बनी है ना, अभी तेरी राख हो रही है, तू राकेश भाई को बीच में ला रहा है क्यों? ना ना राकेश भाई वैसे भी कल से जा रहे हैं भाई, एक नया पक्षी और आ गया हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये पोर, ये पोर, ये पोर। हाँ भाई कार्ड का है उतर भाई, बिना टिकट के सवाल मुझे।
रोक दे भाई, बहुत फट जाएगा माँ का, रोक दे भाई रोक नहीं। अब तू घर ऐसा है ना यार, यार हमें तेरी याद आएगी ना तो हम घर पे चल गए। चल कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं ना, मैं जा रहा हूँ घर पे बैठना है। अरे भाई, तो भाई आ चुके हम लोग अपने रूम पे। भाई यार एक बात है वैसे, क्या तू यार सूट करेगा क्या जब तू भयंकर वर्दी पहनेगा ना चपरासी की? चपरासी पागल है क्या बनेगा फिर तू, ये तो बता क्या बनेगा? दीपक रावत का छोटा भाई। दीपक रावत का छोटा भाई वो तो वो है गटर साफ करता है। वो कौन है यार? वो है हाँ भाई लखनऊ जाके बता कैसे करेगा यार, साफ करता है मुंह गंदा है, साफ कर दे। मार मार स्प्रे मार राकेश, मार मार साफ कर दे। अब तू एक चीज देखना, क्या ये कपड़ा गंदा हो गया हुआ देखना। अरे सुनो, वहां पर रख लो मेरी गेट, ये गेटिया बन गया समझो, ठीक है बन गए। पावर पुलिस वाले बोले सांसद के घर वाले, बोले कहां से आए ये घर वाले, सांसद का चुनाव लड़ते और हवलदार आके पूरे फैमिली को बुला के भगाता पूरे। पावर पुलिस वाले बोले कहां से आए, नाम क्या था? राकेश। कहां से आए? कडीमा कडीमा। राकेश कॉमेडी क्यों भाई? यार यार मुझे लगा कुछ, मुझे क्या लगा कुछ तगड़ी कॉमेडी करेगा, लेकिन इसने तो हक दिया बिल्कुल यार। ईगो आ गया ना, घमंड आ गया इसके अंदर। तुझे याद आएगी मेरी, सच्चे दिल से बताना सबसे ज्यादा किसकी आएगी? सबसे ज्यादा देख रहा है बेटे आज, मतलब इस मतलब ही दुनिया का सच मालूम पड़ गया। नहीं मजाक कर रहा है, मजाक नहीं तू सीरियस बोल रहा है भाई। मेरी याद नहीं आएगी इसको, मैं इसको कार में घुमाता था उसकी याद है। गाड़ी मेरी तो तेरी याद तो वही हुई ना, गाड़ी से जुड़ी अलग छोड़ ना। अरे भाई ऐसे चलो भाई, राकेश के साथ ये हमारी लास्ट वीडियो है, फिर पता नहीं कब मिलेगा, फिर ब्लॉगर बन के आऊंगा ना मैं। हो सकता है अगर कहीं के साथ कोलैब कर लूंगा एनकाउंटर में। चलो मिलते हैं, चल ठीक है यार। आई चल ठीक है, चल ठीक राकेश यार, सच में अच्छा नहीं लगेगा कसम से। सही है। अच्छा तू अपने दिल की बात बता यार। मन तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। चल ठीक है, चल ठीक है यार। चल दो अगर पता है राकेश, मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊँ तभी तुझसे मिलने आया करूंगा। 10 नहीं आया मैं 15-20 15-20 कमाऊंगा। अरे भाई आराम से तू कमा लेगा। मेरे से भी बड़ी सोच है तेरी। चल ठीक है, कमाऊंगा ना। चल ठीक है भाई। तो यार राकेश भी जा चुका है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि राकेश कहाँ गया है। राकेश जा रहा है लखनऊ, उसकी कहीं जॉब लग गई है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी लखनऊ में, तो कल वो जा रहा है। फिलहाल देखो अगर हमें याद आई तो हम पहुंच जाएंगे एक दो महीने बाद नहीं, मतलब 15-20 दिन बाद। अब तो कार है अपनी, तो उससे मिलने पहुंच जाएंगे। फिलहाल देखो अच्छा तो नहीं लग रहा है यार, जा रहा है वो, कोई दोस्त दूर जाता है तो अच्छा तो नहीं लगता है। चलो अब जिसका जहां नसीब है वहां तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल यार इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक।